नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप अपने दुकान व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या चार बत्तियों के सामने या अपने ऑफिसर के सामने आप बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका परम मित्र आपसे दूर हो रहा है? क्या आप मार्केटिंग के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? क्या दलाली या नौकरी के क्षेत्र में आपको समस्या आ रही है? ऐसा क्यों होता है? इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हम गोपनीय बुध मंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बुध मंत्र के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बुध ग्रह का संबंध मनुष्य की वाणी से, बुद्धि से, चतुराई से, व्यापार कौशल से माना जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने स्वभाव व गतिविधि का निरीक्षण कर ले तो वह स्वयं समझ सकता है कि उसका बुध खराब है या नहीं है। जैसे कि तुतलाहट की समस्या, बोल नहीं पाना, बातचीत करते समय अटकना, प्रत्येक कार्य में असफलता, सही समय पर सही निर्णय न ले पाना, सामने वाले से बात करते समय हिचकिचाना, नपुंसकता, शेयर मार्केट में असफलता, दलाली जैसे कार्य क्षेत्र में सफल न हो पाना, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाना, दांत खराब हो जाना, आपकी आकर्षण शक्ति दिनों दिन कमजोर होती चली जा रही है, पागलपन की समस्या, बहन तथा बुआ से संबंध बिगड़ जाना। अगर इस तरह की समस्या से आप ग्रसित हैं या इनमें से कोई भी समस्या से आप ग्रसित हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका बुध ग्रह खराब है। ऐसी अवस्था में बुध का गोपनीय मंत्र लाभदायक माना जाता है। यदि बुध ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है तो वह आप में बोलने की क्षमता का विकास करेगा, आपको ज्ञानी और चतुर बनाएगा, आपकी देह सुंदर और सोच स्पष्ट होगी, आपकी बातों का दूसरों पर जबरदस्त असर होगा, व्यापार और नौकरी में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो आइए आप जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए बुध के मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी हरे आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो वे किसी सोफा पर या कुर्सी पर हरा कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, उसके बाद धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आँखों के बीच में ध्यान देते हुए बुध मंत्र ओम ह्रीम बुम बुधाय ह्रीम नमः, ओम ह्रीम बुम बुधाय ह्रीम नमः, इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु जाप का मतलब है धीमी आवाज में बुदबुदा कर जाप करना, यानी आपकी आवाज दूर तक नहीं जानी चाहिए। इस तरह से इस मंत्र का जाप आपको 15 मिनट तक करना है। और इस मंत्र को आप किसी भी माला से या बिना माला से भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। याद रखें, मंत्र 15 मिनट तक जप करना है। इस तरह से इस मंत्र को 27 दिन तक ले जाना है। और इस मंत्र को आप किसी भी माला से या बिना माला से भी कर सकते हैं। आप अपने लाभ के अनुसार मंत्र जप की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। यह अभ्यास आपके मन की शक्ति को प्रबल बनाता है, मन के अंदर ऊर्जा को सही तरीके से संचारित करता है, प्रवाहित करता है। इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपको जरूरी नियम, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इसका अभ्यास बुधवार से शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र होटल के व्यवसाय में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। यह मंत्र 16 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई ना कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें, अभ्यास को बीच में न छोड़ें। इस मंत्र को सूर्य अस्त के बाद जपना चाहिए, इससे सफलता
का प्रतिशत बढ़ जाता है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य करें। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचना चाहिए। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।